पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के जाने के बाद देवभूमि के मंदिरों की सफाई करने की बात कही है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह द्वारा भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी महिला पर इस तरह की टिप्पणी करना आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना है। जयराम ठाकुर ने चुनाव आयोग से कंगना पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चुनाव के दिनों में एक महिला के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये चुनाव के दिनों में आचार संहिता का भी उल्लंघन एक तरह का है और ऊपर से धार्मिक संस्थान से संबंधित इस तरह की टिप्पणी करने से और भी ज़्यादा ये गंभीर विषय है। और मेरा इस बात के लिए भी चुनाव आयोग से आग्रह है कि इस बात का भी संज्ञान लिया जाए। जयराम ठाकुर ने स्पीति के काजा में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे भाजपा के काफिले पर हमला करने की घटना को कांग्रेस पार्टी की साजिश करार दिया है। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव में अधिकारियों की लापरवाही के चलते देवभूमि में पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस घटना की चुनाव आयोग को शिकायत भेज दी गई है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज तक हमने अनेकों चुनाव लड़े भी हैं, लड़ाए भी हैं, लेकिन कहीं भी इस तरह की घटना को हमने होते नहीं देखा है। और इसके अलावा वहां इस घटना के पश्चात हमने सारी वीडियो फुटेज भी, हमने सारी डिटेल लेकर के जो है इलेक्शन कमीशन को, जो हमारे सीईओ है शिमला, उनको भेज दिए हैं। और हमारी मांग है उसमें कि सबसे पहले तो उन अधिकारियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे जिन्होंने पैरेलल परमिशन दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे मंडी संवाददाता वीरेंद्र जी। वीरेंद्र, जो व्यक्तिगत टिप्पणी कंगना पर की गई और अब ये मामला काफी गर्माता नजर आ रहा है, इस बयान के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है मंडी सीट पर? खासतौर पर वीरेंद्र, मुद्दों से ज्यादा जो है वो व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, आपने ठीक कहा कि मंडी संसदीय सीट पर अगर हम देखें, जब से चुनाव प्रचार चला हुआ है तो हम कह सकते हैं कि मुद्दे कहीं ना कहीं गौन है, कहीं ना कहीं गायब है, और जो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप या व्यक्तिगत छींटाकशी है वो ज्यादा हावी जो है वो होती हुई नजर आ रही है। चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो, दोनों ही राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी है या बाकी जो नेता है वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जो है वो ज्यादा लगा रहे हैं। पिछले कल भी जब मंडी जिला में दरंग विधानसभा क्षेत्र के टकोली गाँव में जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट विक्रमादित्य सिंह पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने, हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो देव समाज के हवाले से ये बात कह रहे हैं कि जो वो फील्ड में जा रहे, तो देव समाज के लोगों का ये कहना है कि जो भाजपा की प्रत्याशी है उनके जो कुछ सोशल मीडिया पे जो कुछ पुरानी जो उनकी पोस्ट है वो जो वायरल हुई है, उस आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है कि जिन जिन मंदिरों में वो गई है उन मंदिरों की सफाई करना जो है वो जरूरी है। लेकिन कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की बयानबाजी जो वो देखने को नहीं मिलती है। जो कंगना रनौत है उनकी तरफ से भी इस पर जो है वो प्रतिक्रिया आई है, और जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है उनकी तरफ से भी जो है वो इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इस बयान को जो है वो निंदनीय बताया है, और हालांकि जयराम ठाकुर की तरफ से भी कहा गया है कि ये एक तरीके से आदर्श आचार संहिता का जो है वो उल्लंघन है और इस पर जो है वो चुनाव आयोग को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि इस संदर्भ में कोई शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया के माध्यम से उन्होंने जो है वो मांग उठाई है कि इस पर जो टिप्पणी दी गई इस पर जो है वो कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कंगना रनौत की बात करें तो उन्होंने भी जो है वो अपना बयान जारी किया है, और उस बयान में उन्होंने भी इस जो बयान को जो है वो निंदनीय बताया है और कहा है कि आए दिन उन पर जो है वो व्यक्तिगत छींटाकशी जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हालांकि जो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो दोनों ही दलों की तरफ से, चाहे प्रत्याशी कहें या फिर बाकी नेता कहें, उनकी तरफ से जो है वो लगातार जारी है। जी प्रियंका। जी वीरेंद्र, और इसके अलावा काजा में पिछले कल जिस तरह की घटना सामने आई है, क्या है ये पूरा मामला वीरेंद्र? देखिए, काजा में पिछले कल जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंगना रनौत वो चुनाव प्रचार के लिए वहां पर गई हुई थी, और जैसे वो वहां पर पहुंची तो वहां पर जो कुछ लोग थे, शायद इसके पीछे जो बड़ा कारण जो वहां पर लोगों का जो विरोध वहां पर था वो यही था कि हाल फिलहाल में या पिछले कुछ समय में जो दलाई लामा के प्रति जो एक टिप्पणी की गई थी कंगना रनौत की तरफ से, जो उनका एक बयान जो है वो वायरल हुआ था,
उसके तहत जो लोगों में नाराजगी थी, अभी तक प्रारंभिक जांच में यही माना जा रहा है कि उसी कारण जो है वो लोग वहां पर विरोध जताने के लिए आए थे, लेकिन वहां पर ये विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर जो है वो, हालांकि इस सारे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है उसे जो है वो गंभीर चोट भी आई है पांव में, और इसकी जो शिकायत है वो चुनाव आयोग को भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दे दी गई है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये सारी की सारी लापरवाही सरकार के इशारों पर जो है ये सारा सारा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि जब उनका कार्यक्रम पहले से वहां पर प्रस्तावित था तो उसके आसपास के जो दूसरा जो प्रोटेस्ट होना था उसकी परमिशन जो है वो संबंधित प्रशासन द्वारा दी गई, और इसके लिए जो लाहौल स्पीति जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, और उनकी जो है वो शिकायत चुनाव आयोग को भेजी गई है और कहा गया है कि इस मामले की जो है वो निष्पक्ष जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए, और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। जी प्रियंका, बिल्कुल वीरेंद्र, निष्पक्ष जांच की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और हिमाचल प्रदेश जो है देवभूमि है, इस तरह की बयानबाजी जो है भविष्य के लिए चिंता में जरूर डाल देती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र।